Uh, students, after checking the assumptions required to be fulfilled uh, for the MLR, now we are going to interpret the results that we got from our analysis. So, in results, we are going to see three things model summary, uh, ANOVA table, and coefficients of the independent variables. So, the first thing which we are going to see is the model summary of the MLR.

और इसमें हमारे पास जो प्रोडिक्टर हैं वो कांस्टेंट हैं बाकी ये जो हमारे जितनी मोटिवेशंस थी टू तो यूज़ सोशल मीडिया वो इसमें बताई गई हुई है तो यहाँ पर हमें आ, ये तो नहीं पता कि भी कौन सा प्रोडिक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टेबल में देखने को वो जो है आर्स केयर की वैल्यू है जो कि है पॉइंट फाइव फोर नाइन जैसा कि मैंने इधर आपको मेंशन भी किया है और अगर हम इसको एडजस्ट करने लें विध द्वाइंट फोर फाइव सिक्स बन जाती है तो इट मींस दैट ऑल दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्चुअली एक्सप्लेनिंग फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ़ द वेरियंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल इसको ये तमाम प्रेडिक्टर्स मिलके जो है वो 45 परसेंट उसका वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट और ये इससे लगता है कि मोटिवेशंस टू यूज़ सोशल मीडिया एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग योर सोशल कैपिटल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स

Uh, I think 7 IVs, and uh, uh, our total sample size was 1244. Uh, the F value, which is 149.782, is significant uh, uh, because this value is less than 0.05. It means that the way we have assumed this model, it is actually statistically correct. एंड देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरीएबल्स एंड ऑल दिज प्रडिक्टर्स एक्चुअली एक्सप्लेन देरियंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल इन दिस एग्जाम्पल तो ये जो अनोवा का टेबल है ये हमें बता रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो थेरेटिकली जो हमने डेवेलप किया था वो एम्पेरिकली करेक्ट है इसके बाद जो लास्ट टेबल हमने देखना है वो है कॉफिशंट्स का तो ये टेबल बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए ये भी क्योंकि आर स्केयर तो हमें ओवरऑल बता रहा है कि कितना वेरिएंस एक्सप्लेन किया है आपके आई ने मगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन सा वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है और किसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और किसकी कम कंट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम ये देखते हैं हमारे पास बीटा की वैल्यू अब ये तमाम मिलकर क्या कर रहे थे 45 परसेंट वेरियंस आर स्केयर जो था हमारे पास 45.6 तो यहाँ पे हमें वो आ, हर जो है वेरिएबल के अगेंस्ट दिया गया है बीटा की वैल्यू जो कि एक्चुअली कोरिलेशन रिलेशन की ही वैल्यू होती है तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि आपका आ, जो एक वेरिएबल है वो इनसिग्निफिकेंट है पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर तो ये वेरिएबल डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन द एक्सप्लेनिंग ऑफ ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल और बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ऑनलाइन ब्रिजिंग सोशल कैपिटल एंड आउट ऑफ दिज वेरिएबल्स The most strong variable was the making new social ties, क्योंकि इसका बीटा पॉइंट टू नाइन फाइव है सबसे ज़्यादा है और इसके बाद हमें नज़र आता है कि आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पॉइंट वन एट थ्री और उसके बाद सीकिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सोशल टाइज एंड देन सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन एंड डिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट जो है वो सबसे वीक प्रोडिक्टर है सोशल कैपिटल डेवलप करने का इन ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स अब ये जो आपके पास डेटा uh, आया ये थ्रेटिकली भी बहुत ज़्यादा करेक्ट है हमें पता है कि वो लोग जो uh, जिनकी मोटिवेशन ये है कि उन्होंने सोशल टाइज डेवलप करने हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो उन्हीं का सोशल कैपिटल हाई होता है या वो लोग जो इसके थ्रू मेंटेन करते हैं या वो लोग जो अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो वो जो है उनका ज़्यादा सोशल कैपिटल होता है और कंपैरेटिवली uh, अगर आप सिर्फ़ इसे रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ अपने बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो है सोशल कैपिटल कम जनरेट होता है तो थोरेटिकली भी हम हम देखें तो हमारा मॉडल जो है वो Uh, जो एम्पेरिकल रिजल्ट हैं वो थ्योरी uh, the को रिकनफर्म uh, कर रहे हैं वो थ्योरी के साथ इन लाइन है तो हम जो है इसको कैसे लिखते हैं ये हम रिपोर्टिंग द रिजल्ट में देखेंगे तो ये मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं और इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं